अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां साइबर ठगों के निशाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी आ गए। तो मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड लगातार ठगी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इन बेखौफ साइबर ठगों के निशाने पर अब आम आदमी ही नहीं बल्कि खास लोग भी हैं। प्रदेश में बीते 48 घंटे में इन जालसाजों ने 6 जिलों के कलेक्टर के नाम मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश की है। ये कलेक्टर जबलपुर, धार, सिवनी, उमरिया, शहडोल और शिवपुरी के हैं। ठगों ने ये मैसेज सभी कलेक्टर के रिश्तेदारों और परिचितों को श्रीलंका और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भेजकर पैसों की मांग की। जालसाज जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम पर तो उनके रिश्तेदारों से 25,000 रुपए की ठगी करने में भी कामयाब रहे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के कई कलेक्टर और आईएएस अफसर भी अब साइबर ठगों के निशाने पर हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जालसाजों के निशाने पर एमपी के अफसर, 6 कलेक्टर हुए साइबर फ्रॉड का शिकार। बड़ा सवाल, साइबर ठगों पर कैसे लगेगी लगाम? जी हां, मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगी करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब आम आदमी के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और अफसरों तक को आसानी से अपना निशाना बना रहे हैं। अभी तक ये जालसाज आम लोगों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर पैसों की डिमांड करते थे, लेकिन अब इन जालसाजों ने मध्य प्रदेश के अफसरों के नाम से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे हड़पना शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटों यानी 2 दिन के अंदर इन साइबर ठगों ने प्रदेश के 6 कलेक्टरों के नाम पर ठगी करने की कोशिश की है, जिनमें जबलपुर, धार, सिवनी, उमरिया, शहडोल और शिवपुरी के कलेक्टर शामिल हैं। यहां तक कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर जालसाज 25,000 रुपए की ठगी करने में कामयाब भी हो गए। जिस नंबर से कलेक्टर के नाम से मैसेज भेजा गया, वो नंबर उज्बेकिस्तान के नाम से पंजीकृत है, जिससे साफ होता है कि साइबर ठग उज्बेकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में बैठकर भारत के आईएएस अधिकारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये साइबर अपराधी ईडी के नाम पे, सीआईडी के नाम पर, पुलिस ऑफिसर्स के नाम पर या फिर सेक्सटॉर्शन, इन विभिन्न विभिन्न तरीकों से इन अधिकारियों को डराते धमकाते हैं और अधिकारी इन झांसियों में आ जाते हैं और ये साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। किसी आईएएस अधिकारी को महरा बनाकर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी अकाउंट के मार्फत ठगी का जाल बिछाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले साइबर ठगों ने सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन, शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, शहडोल कलेक्टर तरुण भटनागर और उमरिया कलेक्टर धनेन्द्र कुमार जैन के नाम से व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश की। सभी मामलों की शिकायत राज्य साइबर सेल से की गई है। फिलहाल साइबर सेल के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन इन मामलों ने साफ कर दिया है कि साइबर अपराधी अब किसी भी हद तक जा सकते हैं और जिस तरह से अब बड़े अधिकारी इन जालसाजों के निशाने पर आ रहे हैं, वो मामले की गंभीरता और भी बढ़ा रहा है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान अरविंद सिंह दांगी जी हैं, लॉ ऑफिसर साइबर मुख्यालय। सुमित चतुर्वेदी जी हैं, साइबर गुरु हैं, और अजय त्रिपाठी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दांगी साहब, आपसे ही सवाल इस बात को है लेकर कि क्या जो हमने ये बताई कि 6 जिलों के कलेक्टरों की फर्जी अकाउंट बना करके उनसे ठगी करने की कोशिश की गई, जिसमें जबलपुर के कलेक्टर तो ठगा भी गए, क्या इसकी शिकायत आपको मिली है? और इस तरह की शिकायतें जब मिलती हैं तो किस तरह की कार्रवाई साइबर आपका डिपार्टमेंट करता है? चूंकि आपके ऊपर ही पूरी जिम्मेवारी है कि आम लोग ना ठगे जाएं, और ठगे जाएं तो उसकी रिकवरी कैसे? बिल्कुल, जो अभी जो आईएएस ऑफिसर के साथ उनके नाम से जो ठगी की घटनाएं आई हैं, उसमें सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि
ठगी जनरली दो प्रकार की हो रही है, एक तो जब हाई टेक्नोलॉजी यूज हो जाती है या किसी की फेसबुक हैक कर ली जाती है या व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है, परंतु ये जो साइबर ठगी हुई है आईएएस ऑफिसर्स के नाम से, जिनमें जबलपुर, धार, सिवनी, उमरिया, शहडोल और शिवपुरी के आईएएस ऑफिसर है, उन मामलों में मैंने देखा है कि इन मामलों में जो ठगी हुई है वो सामान्य प्रकार की ठगी हुई है। इसमें उनकी फेसबुक को हैक नहीं किया गया है, ना ही उनके व्हाट्सएप को हैक किया गया है, बल्कि व्हाट्सएप पे उनकी फोटो लगा के किसी अन्य नंबर से कॉल करके ठगी की गई है। और इसमें एक चीज और समझने वाली बात यह है कि जो ठगी की गई है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी चीज के बारे में जानकारी ही बचाव होती है। जैसे कि एक सुक्ति बोली जाती है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो हर एक कंट्री का एक इंटरनेशनल डायलिंग कोड होता है, जैसे भारत का इंटरनेशनल डायलिंग कोड है +91। और ये जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजे गए हैं विभिन्न जिलों के आईएएस ऑफिसर्स के नाम से, उसमें जो डायलिंग कोड का यूज किया गया है +94 है। तो जो +94 है ये श्रीलंका का डायलिंग कोड है और +92 ये पाकिस्तान का डायलिंग कोड है। तो ऐसे में आम जन को ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर +1 नंबर से कॉल आता है तो हमें उसको जनरली अटेंड करना है, और किसी अन्य डायलिंग कोड से +91 से कि 1 से +91 जी +91 इंडिया का डायलिंग कोड है, और अन्य किसी डायलिंग कोड से अगर आता है फोन तो उसको यह देख लेना चाहिए क्या उस अन्य देश में हमारा कोई रिलेटिव रहता है कि नहीं, या वह नंबर सेव है कि नहीं। तो ये जो ठगी हुई है इन मामलों में एक उनका डुप्लीकेट मतलब अलग से एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया और वो नंबर यूज करके ठगी की गई है। अब एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि जनरली जब इस टाइप के नंबर से कॉल आते हैं तो जिस व्यक्ति को कॉल पहुंचे उसे एक सावधानी यह अपनानी चाहिए कि अगर वह उस व्यक्ति को जानता है, जैसे इसमें जो कॉल किए गए हैं वो आईएएस ऑफिसर्स के रिश्तेदारों को किए गए हैं, तो एक जिम्मेदारी ये बनती है जिस व्यक्ति को कॉल करके अगर पैसा मांगा गया है तो सबसे पहले वो उनके एक्चुअल नंबर पर कॉल करके पता कर ले कि आपके द्वारा कॉल किया गया है कि नहीं किया गया है। और ये जब रिपोर्ट साइबर क्राइम में आती है तो सबसे पहले जिस नंबर से रिपोर्ट आई है उस नंबर के बारे में जानकारी निकाली जाती है, ऐसे नंबरों को ब्लॉक कराया जाता है। अगर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है तो फर्जी फेसबुक आईडी को ब्लॉक कराया जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं और इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम द्वारा किया जाता है। निश्चित हम आपके पास अभी और आएंगे और जानेंगे कि प्रतिदिन इस तरह की मध्य प्रदेश के तो मुख्यालय आप ही के पास है, कितनी इस तरह की ठगी आती है, किस तरह की आती है, आपने किसी को पकड़ा भी है तो पकड़ा है तो कौन लोग हैं, हम आपके पास आएंगे। शोभित चतुर्वेदी जी हमारे पास आईटी गुरु कहलाते हैं। शोभित जी, किस तरह से बचा जा सकता है इसको और किस तरह से ठगी करते हैं, हमारे जो दर्शक है जानना चाहते हैं कि कैसे बचे। अभी तो दागी साहब ने काफी कुछ बताया, उन्होंने कहा वहां कॉल कर लो, लेकिन और भी जो पैसे निकाल लिए जाते हैं अगर के ऑनलाइन उन्होंने कोड ले लिया, ओटीपी नंबर कोई गलती से बता गया, बोल दिया कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, ओटीपी नंबर बता दीजिए, किस तरह से इस तरह के क्राइम होते हैं, थोड़ा संक्षेप में दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे मेन चीज है, बहुत सही बात सर ने भी बोली, मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि विज्ञान अभिशाप है वरदान है, ये बात है बहुत अच्छी है जी। पर हमें धैर्य रखना पड़ेगा पहली चीज, दूसरी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तीसरी हमें अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर मतलब कहने का अर्थ है इसमें पेशेंस धैर्य जो हम कह रहे हैं जी, क्योंकि जितने भी ये कॉल्स इंडिया में आ रहे हैं या लिंक्स आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं या फेसबुक हैक हो रहा है या व्हाट्सएप हैक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है, पर है ये पूरा 420। क्योंकि एक्चुअल जो हो रहा है वो ये है कि वो एक कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू आपसे पेमेंट ले रहा है एक्चुअल, बाकी वो जो भी कर रहा है वो कॉल्स कर रहा है, कॉल्स में वो कहीं ना कहीं से आपकी डिटेल्स जानकारी निकाल रहा है, और जो जानकारी आपने खुद फेसबुक पर डाली है या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपने खुद डाली है जी। जैसे आप अभी देखें कि जिसमें भी जितने भी ये आईएएस है इनके जो डिटेल्स है उनके रिश्तेदारों की, वो कहां से उसको मिली, उनके फेसबुक अकाउंट से मिली होगी तभी तो वहां तक वो पहुंचा, उनके नंबर कहां से मिले उसको, वो नंबर उसको कहां से मिले जहां उसने वो मैसेज किए, तो कहीं ना कहीं से ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई कि आपने खुद अपने जो फेसबुक की सेटिंग्स है या सोशल मीडिया अकाउंट्स की सेटिंग्स है उसको आपने ओपन कर रखा है। अगर आप उसको क्लोज रखें, फ्रेंड टू फ्रेंड रखें या सिर्फ अपने पास रखें, पब्लिक को ओपन ना करें,
तो आप इन सब चीजों से बचेंगे, क्योंकि देखिए ये स्टॉकर्स है, ये हैकर जैसे आप कहते हो, एक्चुअली ये सोशल इंजीनियरिंग है कि एक व्यक्ति बैठा है वो सिर्फ देख रहा है, पूरे फेसबुक अकाउंट्स में सर्च कर रहा है साइमल्टेनियसली, जिसे हम एक ऐसे कहते थे फिशिंग अटैक कहते थे कि एक जाल फेंक दिया, जितने फंस गए फंस गए। ये होता था जब SMS और हम जब लिंक्स भेजते थे, पर अब सोशल इंजीनियरिंग में हो ये रहा है कि लोग बैठ कर देखते हैं किसका अकाउंट खुला हुआ है, वो सबकी जानकारी निकालते हैं, उस जानकारी को एकत्रित करके फिर उसके बाद वो सारी किस तरह के अकाउंट खुला हुआ, मतलब जैसे आपने सेटिंग में अपने मोबाइल अपने फेसबुक की सेटिंग्स की बात करें, फेसबुक की सेटिंग्स में अपने पब्लिकली ओपन कर रखा है, कोई भी मेरे को लाइक कमेंट कर सकता है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में हमको लाइक्स और कमेंट्स चाहिए, नहीं तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी उस सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड में। तो वर्चुअल वर्ल्ड में अगर आपको बच के रहना है तो सबसे पहले आपको सेटिंग रखनी है, अपने पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखना है, आपको टू ऑथेंटिकेशन जिसे कहते हैं टू फैक्टर आपको बनाकर रखना है, अपने मोबाइल की सारी सेटिंग्स और टू वे ऑथेंटिकेशन रखना, चाहे आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, या आपका अपना खुद का मोबाइल हो, कोई भी ऐसे अननोन जो लिंक्स होते हैं या अननोन नंबर्स जिससे कॉल्स आते हैं, जैसे इन्होंने कहा 6292 ये जितने भी नंबर, एक्चुअली ये नंबर जो है ये वॉइस कॉलिंग्स के थ्रू आते हैं। अगर हम वॉइस कॉलिंग्स की बात करें तो कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप किसी और का नंबर लेके भी कॉल कर सकते हैं, करीबन लास्ट 1 ईयर की बात होगी, शायद खंडवा या खरगोन कहीं का एक केस है, कलेक्टर साहब के कॉल्स पहुंचे थे सारे वहां के अधिकारियों को, उन सबने उन्हें पैसे डाल दिए थे, तो ऐसा एक केस भी आया था। तो ये वॉइस कॉल्स होते हैं, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, कि आप इंटरनेट के थ्रू ही नंबर डाल के आप कॉल कर सकते हैं, तो इसके बचने के लिए, क्योंकि आपको नंबर दिख रहा है। लेकिन चतुर्वेदी ये कैसे उनको मालूम पड़ता है, मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ, कल ही की बात है, शायद अजय त्रिपाठी जी भी बैठे थे, कुछ लोग हमारे साथ बैठे थे, ऐसे 3-4 बार आ चुका है, वो हमारी पत्नी का नाम जान रहे हैं, उनने कहा आप फला फला बोल रहे हैं, SP त्रिपाठी बोल रहे हैं, आपकी पत्नी का नाम है, हमने कहा जी आपका बेटा का ये नाम है, बेटे का भी नाम सही बता रहे हैं। अब वो आगे वो उलझ गए, उन्होंने कहा आपका बेटा, हमने कहा कहाँ से बोल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं कर्नाटक के आसपास से बोल रहा हूँ, आपका बेटा यहाँ किसी क्राइम में वो हो गया है, तो मैं समझ गया मेरा बेटा मेरे साथ मतलब घर में है, तो ये पूरी डिटेल कहां से मिलती है कि मेरी पत्नी का नाम, मेरे बेटे का नाम, सब कैसे वो मैंने अभी आपको बताया सोशल इंजीनियरिंग मतलब वो आपका फेसबुक फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे आप अपने फोटो जब डालते हैं तो टैग करते हैं वाइफ को भी, आप अपने फेसबुक में नीचे फैमिली फ्रेंड्स का नाम डालते हैं, आप भी अगर आप देखें तो आपका भी अकाउंट कहीं ना कहीं से लीक है, मतलब इसका मतलब आपका अकाउंट जो है पब्लिक है जी। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि जब UPI का यूज करते हैं, हम वही बात कर रहे हैं, अकेले देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम दो अकाउंट रखें, मतलब चाहे फेसबुक हो, अगर आप पर्सनल लाइफ को रखना चाहते हो तो अलग रखें, और पब्लिक में अगर रखना है तो एक दूसरा अकाउंट बना के रखें, नाम फोटो वही, पर उसमें वो सारे कंटेंट्स नहीं डलेंगे जो फैमिली के होंगे। सेम जब हम UPI यूज करते हैं तो UPI के वॉलेट में 5,000 रुपए रखें, बाकी उसमें अकाउंट ना ऐड करें, इससे आप बचेंगे, क्योंकि आप UPI में अकाउंट ऐड करने में सिर्फ 2 या 30 सेकंड मिली रखते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, सिर्फ बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं जी। तो आप अपना UPI भी सेफ रखेंगे कि कहीं गलती से कोई फर्जी वाला ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती से गलती होती है, साइबर क्राइम में होता है कि हम कहीं ना कहीं बिजी होते हैं या कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठते हैं बहुत छोटी सी, और तभी ये काम हो पाता है, तब आपका पैसा जाता है, तब आप क्रेडिट कार्ड का नंबर देते हैं, CCV नंबर देते हैं, OTP देते हैं, या कोई आपके लिंक या SMS आया होता है वो हम क्लिक कर देते हैं, या कोई वीडियो कॉल उठा लेते हैं, या हम कहीं बिजी है आपका फोन आया कि मेरा बेटा, और एक्चुअली अगर आपका बेटा उस समय दिल्ली में या बेंगलोर में होता तो आप टेंशन में आ जाते। तो ये चीजें उनको मिलती है सोशल इंजीनियरिंग से मिलती है, ये जानकारियां जो हम खुद देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि हम कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हैं, एक्चुअली हम कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हैं, कहने का अर्थ है कि हम अपनी सारी चीजें बता रहे हैं मार्केट में कि देखिए हम ये है, हमारा ये, हम ये लाइक करें, हम ये शेयर करें, आप हमें कमेंट दें, तो कहीं ना कहीं जानकारी हम खुद प्रदान कर रहे हैं, हम अपनी जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी किसी को दिया होगा कि यार मुझे कॉल कर प्लीज। सबसे बड़ी गलती लड़के या लड़कियों की और कई लोगों की जो फेसबुक के मेन पेज पे अपना नंबर डालते हैं प्लीज कॉल मी जी, ये सबसे बड़ा एक मिस्टेक है लोगों की, आप उनके पास उनके पर्सनल मैसेंजर पे आके डालें। नहीं तो मैंने तो नहीं डाला कहीं भी इस तरह, तो मेरे नंबर उसको कई काल आ चुके हैं इस तरह। सर आपका नंबर मार्केट में बहुत जगह शेयर, देखिए अब हम डेटा माइनिंग की बात करते हैं, डेटा माइनिंग कैसे होती है, डेटा माइनिंग में आपने सुना होगा कि SBI के इतने कार्ड की डिटेल जानकारी लीक हो गई या ICICI बैंक की इतनी जानकारी लीक हो गई। होता यह है कि बैंक्स के अंदर भी हम बात करें, बैंक्स के अंदर डेटा माइनिंग, कि बैंक्स के अंदर जो डेटा होता है अकाउंट्स का वो दिया जाता है इंश्योरेंस वाले को, वो दिया जाता है उन्हीं क्रेडिट कार्ड वालों को, वो दिया जाता है, ऐसी मार्केट में डेटा सेल होता है।
तो ये डेटा सेल होता है तो ये कहीं ना कहीं घूमते हुए इन लोग के पास ही पहुंचता है। वहां से उस नाम से खाते से उस या उसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड भी हो सकता होगा, उस डेटे से फिर वो पूरी जानकारी निकालते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, क्या नाम है, क्या करता है, कैसा है, क्या है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है। एक्चुअली ये काम भी होता है जी। तो ऐसे करके वो जानकारी एकत्रित करते हैं और ऐसे करके कहीं ना कहीं से वो पूरी जानकारी एकत्रित करके फिर वो आपको कॉल करके कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करते हैं जी। अजय जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ है, और आज चूंकि वाद विवाद की बात नहीं है, आप भी कुछ अपने दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वही जो जैसे अभी दोनों एक्सपर्ट, हम लोग तो जर्नलिज्म में दोनों एक्सपर्ट को सुना हम लोगों ने, तो सावधानी ये बढ़ती जाए कि हम लोग कई बार उत्साह में अपनी, हमने बहुत अच्छी खबर लिखी है, बहुत अच्छा डिबेट हुआ, हमने डाल दिया इसको लाइक उसको लाइक, और कई बार देखिए मेरे पे 500 लाइक। ये जो सोशल मीडिया का जो एडवांटेज है, सोशल मीडिया का लालच हम लोगों में आ जाता है कई बार, विशेषकर यंग जनरेशन की जो बात कर रहे थे अभी शोभित जी, वो थोड़ा सा अगर अवॉइड करें और एक प्रिकॉशनरी सावधानी बरतें, बहुत तेजी का वीडियो कॉल ना उठाएं, जैसा उन्होंने कहा कि आजकल वो बहुत तेजी के साथ वीडियो कॉल आया, आपने तुरंत उठा लिया, एक बार देख लें कोड, एक बार देख लें, तो मेरे ख्याल से बचा जा सकता है, बचने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं वहां पर जी। मतलब जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा, अभिशाप या वरदान साइंस, आप भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रही है उतना ही अपराध बढ़ रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरा कि हम उतने, हमारी अवेयरनेस उतनी कम होती जा रही है, हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है जी। आज हम लोग, अब आप समझिए कि अभी नया सिस्टम अपने ऑफिस में भी देखिए तो एसी को भी मोबाइल से चालू कर देते हैं जी। तो जब हम पहले क्या था, उठ करके आदमी जाता था, बटन दबाता था, टेलीविजन का बटन दबा रहा है या मोबाइल को अपन रिमोट लेता था। अभी हमको डायल करना है तो कि हम पहले नंबर, आज मैं और आप जैसे हमारी पीढ़ी के लोग आज भी नंबर को पहले कॉन्टेक्ट में जाते हैं फिर डायल करते हैं, नए बच्चे आप होता नहीं कैसे बोलते हैं, वो सट नंबर डायल कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिस्टम जिसे डिपेंडेंसी जो बढ़ती जा रही ना टेक्नोलॉजी की हमारी, उसमें सावधानी उतनी सावधानी नहीं बरत पाते, जैसा कि दोनों एक्सपर्ट को हमने सुना कि हम डिपेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन सावधानी नहीं बरत पाते हैं उतनी अवेयरनेस की वजह से या टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से, और वहीं गलतियां हो जाती हम लोगों से जी। दाजी साहब, ये मध्य प्रदेश में इस तरह की, देखिए साइबर जो पुलिस स्टेशन है अभी कितने हैं मध्य प्रदेश में, और कितनी शिकायतें आपको मिल रही हैं? अकेले मध्य प्रदेश का तो सारी डाटा यही आता होगा, आपके मुख्यालय में आता होगा, कितनी शिकायतें इस तरह मिल रही हैं, और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हो जिनको आपने सॉल्व किया हो? देखिए अभी जो मध्य प्रदेश में जो साइबर क्राइम की व्यवस्था है, तो ये राज्य साइबर मुख्यालय है, बाकी भोपाल में जिला साइबर भी है और ऐसे ही अन्य जगह पर जिला साइबर है, और ये जो राज्य साइबर मुख्यालय है इसके जोन है, तो इसका एक जोन ग्वालियर में है, एक जबलपुर में है, एक उज्जैन में है, एक इंदौर में है जी। तो ये जोन में बटे हुए हैं, और इस तरह की शिकायतें अभी जैसे सामान्य अपराध होते हैं उसी प्रकार से साइबर अपराध भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें अपराधियों को अपराध करना आसान होता है, वो कहीं दूरस्थ किसी भी इलाके में बैठ के किसी भी इलाके के व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे एक बार और बोल चुका हूं, एक और मैं बिल्कुल क्लियर बात कहना चाहूंगा कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं वो एक प्रकार के साइबर ठगी है जी। क्योंकि उसमें जनरली फोन करके सामने वाले को अपनी बातों के प्रभाव में लिया जाता है और वो उस बातों के प्रभाव में आके खुद किसी ना किसी तरीके से पैसे दे देता है। बस पैसे मांगने के तरीके या पैसे ठगने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैं इन तरीकों पे बात करूं कैसे कैसे साइबर ठगी होती है, तो ये जैसे जो IS के मामले हैं, इनमें उन्होंने WhatsApp पे उनकी फोटो लगा के और Facebook से मांगे, तो ये जो तरीके हैं ये पुराने तरीके हैं, ये लंबे समय से Facebook ID हैक की जा रही है, WhatsApp पे फोटो लगा के पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा एक सेक्सटॉर्शन जो शब्द है वो यूज होता है। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल किया जाता है या उससे कोई लड़की चैटिंग करती है और उसको तैयार करती है कि वो वीडियो कॉल करे, और जैसे ही वो वीडियो कॉल करता है तो उसका न्यूड वीडियो तैयार कर लिया जाता है और न्यूड वीडियो फिर उसको भेजा जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है। तो इन्होंने क्या किया, हर एज ग्रुप के लिए अलग तरीके का अपराध चुना है। जैसे ये जो सेक्सटॉर्शन है, न्यूड वीडियो या तो पढ़ने वाले कॉलेज गोइंग बच्चों के बनाए जाते हैं या फिर बुजुर्गों के जी। तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स को उनका वीडियो ना मिल जाए इस डर से पैसे दे देते हैं, बुजुर्ग इस डर से कि उनके बेटे बहू को वो वीडियो ना मिल जाए। दूसरा जो अभी जो पैटर्न चल रहा है ठगी का, वो इस नाम से भी ठगी की जाती है कि आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करिए और आपके पैसे
डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, तो ये शेयर मार्केट का फर्जी पेज बनाते हैं और लोगों को इन्वेस्ट के लिए उकसाते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। दूसरा, जैसे आपने अभी एग्जांपल बताया कि आपको कॉल आया कि आपका बेटा मेरे पास है, कल की ही बात है ऑफिस की, तो ये इस टाइप के कॉल भी बहुत आ रहे हैं। और इसमें जनरली उनकी टेक्निक ये होती है कि आपसे तो पूछ लिया, नहीं तो वो फोन लगा के ऐसे पूछते हैं कि हाँ जी बताइए, मैं पुलिस लाइन से बोल रहा हूँ। तो जब ये शब्द यूज करते हैं ना, पुलिस लाइन से बोल रहा हूँ, उन्होंने आपको कोई प्लेस नहीं बताई कि कहाँ से बोल रहे हैं, उसके बाद ये पूछते हैं हाँ जी आपने अपने बेटे को कहाँ भेजा है, कहां गया आपका बेटा। तो आप ऐसा व्यक्ति जब ये सुनता है हाजी आपका बेटा कहां गया, तो वो खुद ही बता देते हैं अरे मेरा बेटा तो बेंगलोर में है, या अभी मैंने अपने बेटे को मार्केट में भेजा है। तो ये इस तरीके से ट्रिक्स यूज करते हैं कि उन्हें खुद ही जानकारी मिल जाए। और आपने जैसे बोल दिया मेरा बेटा घर पे ही है, तो फिर वो बात ही नहीं करेंगे, वो समझ गए कि यहां पे अब आगे बात करने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज, फेसबुक पे हम बेटे का जन्मदिन भी विश करते हैं, वाइफ का भी, तो उन्हें पूरी जानकारी मिल जाती है। जी। फिर अभी क्या है जो ट्रेंड में चल रहा है कि जैसे किसी को कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके नाम से एक फर्जी पार्सल जा रहा है, तो फर्जी पार्सल जा रहा है उसमें कुछ सिम है, कुछ क्रेडिट कार्ड है, और कुछ उसमें ऐसे अवैध चीजें हैं या ड्रग्स हैं जो आपके नाम से भेजी जा रही हैं। अब इसका डर इतना रहता है कि सामने वाले से वो पूछते हैं कि आपके अकाउंट्स में भी कुछ जो पैसा है वो गलत तरीके से जा रहा है, आप अपना पूरा पैसा हमें सेंड करें, अगर सही होगा तो हम आपको वापस कर देंगे। इस प्रकार की भी साइबर ठगी चल रही है। जो नए बच्चे, थोड़ा सा जदागी साहब ये जानना चाहेंगे कि जो ये कर रहे हैं ठगी, ये हिंदुस्तान के अंदर ही होंगे? इसमें से कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर ही हैं, कुछ तो बाहर से भी टारगेट करते हैं। क्या उनको कोई ऐसा जरिया नहीं है लिंक के उनको पकड़ा जा सके? बिल्कुल, कई मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया है और उन्हें सजा भी दिलाई गई है, लेकिन कई मामलों में अपराधी नहीं पकड़ पाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो सिम किसी और के नाम की यूज करते हैं, बैंक अकाउंट किसी और के नाम का यूज करते हैं। जिसके नाम का उपयोग किया उसको पकड़ा जा सकता है? जी, मैं इस पे ही चर्चा करना चाहूंगा, थोड़ा संक्षेप पे, समय कम हो रहा है। जी, जनरली ये लोग क्या करते हैं, किसी प्लेस पे जाके वहां मजदूर या भिखारियों के नाम पे सिम खरीद लेते हैं, या ऐसी लोगों के नाम पे अकाउंट्स ले लेते हैं, तो जब उन्हें पकड़ा जाता है तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो आने पर उन्हें छोड़ना पड़ता है। जी, ये जो पैसा जैसे जिस बैंक में गया, देखिए हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे पास उतना पुलिस बल नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन जिसके अकाउंट में गया तो ये तो तुरंत पता चल जाता होगा कि किस शहर में गया और शहर का कस्बा कौन सा है और कौन सा बैंक है। तो अगर आपस में पूरे हिंदुस्तान की पुलिस, राज्य पुलिस न कह के पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में आपस में अगर सामंजस्य रहे तो क्या ये पकड़ा जा सकता है? और किस तरह बैंक में जाता, तो किसी न किसी बैंक में ही होगा ना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत टाइम से लोग लगे भी हैं प्रैक्टिकली उसको करने में। जी, होता क्या कि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, या तो उसकी शॉपिंग होगी। जी, तो एक्चुअली करते क्या है, एक मूवी क्विक करके एक ऐप है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा आजकल देखा जाए जितने भी साइबर क्राइम है, तो उसी से सबसे ज्यादा ये शॉपिंग की जाती है। जी, लेकिन एक चीज और है कि अगर आपके साथ, मैं बीच में एक नई चीज डाल रहा हूँ उसके अंदर, कि अगर आपके साथ कभी ऐसा यूपीआई फ्रॉड होता है या कोई ऐसी आपको लगता है, तो एक चक्षु करके ऐप है संचारसाथी.net की, उस पर अगर आप जैसे ही डालेंगे, ये गवर्नमेंट एक बार नाम बता दीजिए दर्शक, संचारसाथी.net चक्षु ऐप है यूपीआई के लिए। अगर उसमें आप ये रजिस्टर्ड कर देंगे तो आप 24 के आवर्स के अंदर तो आपका पैसा 50 ट्रांजैक्शन तक रोक लिया जा सकता है और कई लोगों का पैसा आया है। जी, सेम एज वेल एज अगर आपका कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्रेडिट कार्ड का पैसा गया है या कोई कॉल आके पैसा गया है, तो cybercrime.gov.in ये एक अपनी नेशनल की, मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, इस पे आप जाके अपना पूरा प्रोफाइल करें, कंप्लेन करें, चाहे रात में 11 बजे भी कर सकते हैं, खुला रहता है, और इसमें या फिर 1930 पर कॉल करके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जगह जैसे नरसिंहपुर में हो, वहां पर साइबर थाना नहीं है या वहां पर साइबर थाने का नोडल अधिकारी नहीं है, ऐसी जो रिमोट एरिया में आप ये चीज कर सकते हैं। जी, अब होता है क्या कि जब ये ट्रांजेक्शन चालू होते हैं, जैसे मेरे अकाउंट से पैसा निकला आपके खाते में गया, आपके खाते से निकला किसी और खाते में, ऐसे 50 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो 50 ट्रांजेक्शन तक वो उनको लीड करते हैं, उसको पीछा करते हैं।
पर एक्चुअल जैसा बताया डांगी जी ने, एक्चुअल होता ही है कि ये जनधन अकाउंट जो है और जो आधार कार्ड से पैसा निकलता है और ऐसे कई चीजों को वो यूज करते हैं, जैसे एक आदमी के आधार कार्ड पे 10 सिम बन सकती है, तो वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं और ऐसे गरीब लोगों को पकड़ते हैं, उन लोगों के एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा जो ड्रग्स बेचते हैं, तो जो ड्रग्स का मेन माफिया है वो कभी सामने नहीं आता, ड्रग्स बेचता एक पैडलर है जो बहुत एक छोटा सा कहीं ना कहीं बैठा होता है। तो साइबर में सबसे बड़ी बात है हम पकड़ सबको सकते हैं, हमारे पास चीजें बहुत अच्छी क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं है, पर सबसे मेन चीज है कि एक हमारे पास मैन पावर कम है, दूसरे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, और तीसरा हमारे राज्यों के जो अंतर्राज्यीय वाली बात आपने बहुत सही कही, अंतर्राज्यीय अगर चीजें स्ट्रांग हो जाए तो ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे हमारा जो केस हुआ बन रहा था तीसरा केस हमारे वेस्ट बंगाल से हुआ है, तो जब तक हमारे व्यक्ति वेस्ट बंगाल जाएगा जब तक तो वहां से पता नहीं कहां पहुंच चुके होंगे, या राजस्थान से हुआ, राजस्थान से अब चलो एमपी के नियर है, बिहार से हुआ तो झारखंड से हुआ, तो व्यक्तिगत पुलिस को खुद जाना पड़ता है, अगर इनको खुद जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट करें तो पहले स्टेट चेंज की पुलिस से बात करेंगे, फिर वहां के जो जगह जहां भी जाएंगे वहां से वो बात करें तब जाके गिरफ्तारी या जांच कर पाएंगे। तो अगर ये इंटर पुलिसिंग हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और इससे तुरंत साइबर क्राइम पर बहुत कंट्रोल आएगा। और मेन सबसे चीज है जिस तरीके से हम डिजिटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, भारत सरकार को अपना खुद का ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और खुद के यूपीआई और खुद का ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज है क्लास वन से आज बच्चा जैसे ही होता है 6 महीने 8 महीने 9 महीने का उसके हाथ में मोबाइल होता है, तो उस बच्चे को फर्स्ट क्लास वन से ही कंप्यूटर्स के बारे में सबसे मेन चीज है नेटिकेट, मतलब नेट्स पर एडिकेट जो होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या करना चाहिए, जैसे रूम में चिल्लाना नहीं चाहिए, खाते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसी इंटरनेट के मोबाइल यूज करने के भी एडिकेशन है, कुछ तरीके हैं, उस तरीकों को समझाना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। तब जाके हम बच पाएंगे, अन्यथा वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे मेन चीज है कि ये स्थितियां विकट होती जाएंगी। और अभी जो हो रहा है ये 400 BC हो रही है, पर आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोग यूज कर रहे हैं 3G 5G, अब हम उसके आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास अभी हैकर्स नहीं है। जिस दिन हैकर्स आने लगे, जैसे अभी आपने देखा नगर निगम की पूरी वेबसाइट हैक हो गई थी, आपने देखा ऐसे कई संस्थान है, आज से 4-5 साल पहले जब एजुकेशन डिपार्टमेंट की अटेंडेंस लग रहे थे तो वो भी ऑटोमेटिक सब फेक लग रहे थे। तो ऐसी कई चीजें होंगी, ये एक्चुअल हैकिंग होती है, बिना आपको बताया पैसा निकल जाए दैट इज हैकिंग, पर ये जो हो रही है दैट इज नॉट अ साइबर क्राइम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइबर क्राइम बिकॉज क्योंकि आप उसका पैसा दे रहे हैं। 400 BC है जी। चूंकि समय कम है इसलिए जी मैं आपसे भी जानना चाह रहा था कि आगे किस तरह यूज होना चाहिए बच्चों को, जैसा आप बता रहे हैं कि 10 महीने का बच्चा 11 महीने का बच्चा मोबाइल यूज करने लगता है तो नहीं करें कम से कम। खैर समय हमारा समाप्त हो गया इसलिए आपसे आगे सवाल नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दांगी साहब आपका, चतुर्वेदी जी आपका और त्रिपाठी जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की, प्रदेश में जिस तरह से अब IAS और IPS अधिकारी भी इन जालसाजों के निशाने पर आ रहे हैं, वो मामले को गंभीरता को और भी बढ़ा रहा है, लिहाजा लोगों को ऐसे किसी भी फर्जी मैसेज और कॉल को नजरअंदाज कर पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तभी आप इन हाईटेक तरीके से होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।